राइट, वेलकम टू माई चैनल। माई नेम इज़ आशीष गुड। आज का टॉपिक हमने डिसाइड किया है कि बहुत कॉमन सवाल है कमर्शियल के बारे में, गुड़गांव के मार्केट के बारे में। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं कि सर कमर्शियल क्या ओवर सप्लाइड है। तो मैंने कहा ये कॉमन सवाल हो रहा है, क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। और मेरे कहने से क्या होता है, तो एक बार मैंने सोचा कि एक बार ये देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या सोचती है, क्योंकि हमारे गुड़गांव के अंदर जितने भी प्लान्स और जितनी भी लैंड एलोकेट होती है ये गवर्नमेंट के द्वारा होती है। सो जैसे अगर 23,201 हेक्टेयर के अंदर गुड़गांव है, तो उसके अंदर से कुछ लैंड गवर्नमेंट ने रेजिडेंशियल के लिए डिसाइड करा है, कुछ लैंड कमर्शियल के लिए डिसाइड करा है। तो ये ट्रेजेक्टरी ना तो हम कोई भी हम नए बिल्डर्स आके या लाइसेंसेस भी उन्हीं लैंड के ऊपर आते हैं, राइट। तो कुछ फैक्ट्स जब मैं रिसर्च कर रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कि हम कितना मर्जी भी कमर्शियल बना सकते हैं या कितना मर्जी भी रेजिडेंशियल बना सकते हैं, तो कमर्शियल के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, फॉरेस्ट लैंड के लिए हर चीज़ गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है कि दिस पर्टिकुलर लैंड हैज़ टू बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पस ओनली, राइट। और उसके बाद जो CLUs भी आती हैं, तो मोस्टली वो भी अपडेट होती रहती हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स पे। तो ए वंस वी विल गो थ्रू दी डेटा, एक बार हम देखेंगे कि लास्ट पिछले 10 साल के अंदर व्हाट गुड़गांव हैज़ गॉन थ्रू। टोटल गुड़गांव की लैंड हो गई 23,200 एकड़, जिसमें से रेजिडेंशियल जो है, जो अर्बनाइजेशन जहाँ पे रेजिडेंशियल डेवलप होगा, उसमें से 16,021 हेक्टेयर गवर्नमेंट ने बोला है कि ये रेजिडेंशियल के लिए एलोकेट हो गई, राइट। और 4,613 हेक्टेयर इंडस्ट्रियल के लिए बोला है कि दिस वुड हैपन इन टिल 2031। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती हैं ये एक्सटेंड हो सकती हैं, राइट। तो ये एक रिजर्व्ड लैंड है। और उसके बाद कमर्शियल के ऊपर आते हैं, जिसके अंदर से 1616 हेक्टेयर है, राइट। 1616 हेक्टेयर कमर्शियल के लिए डिसाइडेड है। हाँ, कुछ लोगों का कहना ये रहता है कि यू नो कमर्शियल इज़ ओवर सप्लाइड, उनका अपना नज़रिया है, आई डू रिस्पेक्ट दैट। बट सप्लाई ज़्यादा या कम होना हम अपने नज़रिए से देख रहे हैं कि हाँ क्या ये बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, हमारे पॉइंट्स डिफर कर सकते हैं। लेकिन अब एक बार स्क्रीन को हम लेके जाएंगे पिछले 10 साल के डेटा के ऊपर, पिछले 10 साल के डेटा के ऊपर लेके जाते हैं, मेजर सड़कों की डिस्कशन करते हैं कि प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है नहीं हुआ है, हमारी जो जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो लॉन्चेस हैं, वो साल दर साल क्या प्राइस के अंदर इजाफा आया है या नीचे गई हैं। तो बेसिकली जो मेजर रोड्स हैं हम वही कवर करेंगे, कि जैसे कि आम पब्लिक को आसानी हो समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सेक्टर्स हैं जो कि आम पब्लिक को नहीं पता। तो अगर द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स रोड, ये लोग सड़कें लोगों ने देखी हुई हैं, तो समझना उसके लिए आसान होगा। तो पहली स्लाइड हम लेके जाते हैं न्यू गुड़गांव के कमर्शियल के लिए। तो अब ये स्क्रीन के ऊपर न्यू गुड़गांव का कमर्शियल स्टैट्स हैं 2016 से 20 तक के। तो हम देख रहे हैं कि 19 के बाद जो रेजिडेंशियल के अंदर शिफ्ट आया है, रेजिडेंशियल के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था, अगर किसी ने ना देखी हो तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स के स्टैट्स दिखाए थे कि पिछले 10 साल के अंदर जो साइकिल है किस तरफ बढ़ रही है, जो ट्रांजैक्शन वैल्यूज़ हैं साल दर साल किस तरह से बढ़ रही हैं। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कमर्शियल का, और एक बेसलाइन बता रहा हूँ कि ये ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं, कितनी एम्प्लॉयमेंट गुड़गांव के अंदर जनरेट हो रही है, कितनी कंपनियाँ इंटरेस्ट शो कर रही हैं। तो फर्स्ट मैप के ऊपर न्यू गुड़गांव है, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ बन रहा है, दिस ग्राफ इज बेस्ड ऑन दी लॉन्चेस एंड रीसेल रजिस्टर्ड थ्रू आउट द ईयर। तो
आप ये देखोगे कि 2019 के अंदर यू सी अ स्टीप राइज इन कमर्शियल प्राइस, राइट, दैट इज गॉन टिल 13,000 फॉर एन एवरेज प्राइस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एसपीआर रोड, राइट. एसपीआर के अंदर वी डोंट हैव लॉट ऑफ डेटा बिकॉज दिस इज अ न्यू रोड, राइट. और यहाँ पे जो प्राइस रजिस्ट्रेशन आपको कम इसलिए देगी क्योंकि एसपीआर के जो पीछे एरिया हैं वहाँ पे भी कमर्शियल काफ़ी है और कच्ची कुलानी छोटी दुकानें भी हैं, तो उनका प्राइस मिला के भी तकरीबन 9,000 के आसपास वहाँ पे इस टाइम प्राइस दिखा रहा है, राइट. अब एक बार हम देखते हैं सोना रोड पे. सोना रोड के ऊपर कमर्शियल का आप देखोगे कि पिछले, ये हमारे पास डेटा पिछले 10 साल का है, 10 साल के अंदर अगेन 19-20 के अंदर देयर इज अ स्टीप राइज, राइट. एंड नाउ लेट्स सी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, राइट. गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर भी 19 से 20 के अंदर स्टीप राइज आ रहा है. द्वारका एक्सप्रेस वे पे भी स्टीप राइज आ रहा है कमर्शियल पे, राइट. द्वारका एक्सप्रेस वे 2016 से हमने 20 का डेटा, दिसंबर 20 तक का डेटा हमने लिया है, राइट. सो कॉन्टिन्यूसली पिछले एक साल के अंदर, जैसे कि मैं आपको कल बता रहा था, पिछले वीडियो में भी बता रहा था, व्हेन दी मार्केट इज ऑन अ बुल रन, ऊपर की तरफ जब जा रही है, तो मोस्ट ऑफ दी पीपल जो हम ज़्यादा समझ लगाते हैं वो समझ ये लगाते हैं कि कहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए कहाँ नहीं लेना चाहिए, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. बट यू ऑल्सो हैव टू रिस्पेक्ट दी मोमेंट ऑफ टाइम और अ रन दैट रियल एस्टेट इज़ गोइंग थ्रू. आई रिमेंबर कि आई हैव गॉन थ्रू फेजेस कि जहाँ पे आई वॉज लिटिल शॉर्ट ऑफ बाइंग अ प्रॉपर्टी, और मैं प्रॉपर्टी के लिए मैं सोच रहा था कि चलो 5-6 महीने के लिए मैं होल्ड कर लेता हूँ और कुछ पैसा आ जाएगा, देन आई विल बी एबल टू बाय अ प्रॉपर्टी, विच वॉज दिस हैपन टू मी इन दिस बुल रन ऑल्सो. तो क्या हो रहा है कि टिल द टाइम वी गेट फाइनेंसेस द प्रॉपर्टी इज़ अगेन, अगर ये आप लोगों के साथ भी हुआ हो कि जब आप 2010-11-12 में मेरे साथ भी हुआ था और अभी जो लोग प्रॉपर्टी मार्केट में ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, तो आप लोग समझ पाएंगे और कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है, वाइल द टाइम यू अरेंज फॉर द फाइनेंसेस, वो आप कोई अगर आपको 70,000 रुपये का प्लॉट बता रहा है, अगर आप 2 महीने बाद जा रहे हो तो वो 75 बता रहा है, फिर 80 हो रहा है, फिर 90 हो रहा है, तो पैसा स्लो आ रहा है लेकिन मार्केट जल्दी स्पीड से भाग रही है. पिछले 7 साल से रुकी हुई थी ना मार्केट, तब रिसर्च का टाइम था, स्टडी का टाइम था, कहीं ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, राइट. लेकिन जब एक बुल रन चल रहा है तो आइदर देयर आर टू ऑप्शंस, आप पीछे बैठ के रिलैक्स करके उसको देखो, राइट, ट्रांजैक्शंस ना करो, या फिर यू गेट ऑन टू द बुल एंड स्टार्ट राइडिंग इट. वंस यू स्टार्ट राइडिंग इट, इज अ रिस्की कॉम्बिनेशन बिकॉज वंस द मार्केट इज डाउन ऑन कैमरा, वंस द मार्केट इज डाउन द फ्लिपिंग इज ऑफ. Once the market is down, the flipping goes to zero. You can't flip deals. क्या हुआ था 2013 में, जिसके पास जो प्रॉपर्टी है वो वैसे की वैसे पड़ी रह गई, राइट. तो अच्छी चॉइस से ही मार्केट में डिसीजंस लेने चाहिए, और जो चीज़ की आपको ज़रूरत हो उसमें इन्वेस्ट करो, तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, राइट. अगर इन्वेस्टर हो तो एंट्री से पहले एग्जिट की देखो कि कितना प्राइस पॉइंट पे आप एग्जिट कर सकते हो और क्या प्रोजेक्शंस हैं प्राइस राइज की. एक चीज़ अच्छे संकेत क्या हैं मार्केट में, कॉन्टिन्यूसली जब बुल रन चलता है तो बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, राइट, जो कि हो चुके हैं. अब आप देखोगे कि आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि अब एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है कि मार्केट रियल इस्टेट की ऊपर जाएगी, तो अब प्रोजेक्ट्स भी लाइन से आपको दिखेंगे, आने शुरू होंगे. कमर्शियल वाले अपने निकालेंगे, रेजिडेंशियल वाले अपने निकालेंगे, इंडस्ट्रियल वाले अपने निकालेंगे, हर एक बंदा जिसके पास जो इन्वेंट्री है वो मार्केट में ले के आएगा और ओपन फॉर सेल करेगा, राइट. तो किसी को कोई घबराने की बात नहीं है कि भैया ये मार्केट, अगर आपको लग रहा हो कि जल्दी से नीचे जाने वाली है, ऐसा नहीं होने वाला है, तो अभी 1 से 1.5 साल या तो अभी एंटर कर लो
अभी आज की रिसर्च के हिसाब से कॉम्पिटिटिव रेट देख लो, जहाँ पे आपको लेना है वहाँ लो। रुकना अगर आपको है तो मुझे लगता है कि आपको 1 से 1.5 साल तो अभी ऊपर प्रोजेक्टरी लग रही है, रुक के लेना है तो हम 2 साल के बाद जब मार्केट स्टेबल हो जाएगी तब भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप पिछले रिसर्च देखते हो तो मार्केट जो 2013 का बबल बना था गुड़गांव में, वो बबल समझ में आता था। अब ये करेक्शन है, अगले 7 साल के बाद अब ये करेक्शन है, ये बबल नहीं दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल रियलिटी लग रही है रियल एस्टेट की, जहाँ पे लोग अपना घर ले रहे हैं। इन्वेस्टर फोकस ज़्यादा मार्केट नहीं है, ये मार्केट इस टाइम एंड यूज़र से चल रही है। तो मुझे ऐसा कोई बबल नहीं दिख रहा है कि ये बबल क्रिएट हुआ है और ये मार्केट नीचे जाएगी। सो माई रिकमेंडेशंस टू ऑल ऑफ यू, वेदर यू वॉन्ट टू बाय रियल इस्टेट इन रेजिडेंशियल और कमर्शियल, सबका अपना अपना टेक है। मुझे जो चीज़ समझ में आती है मैं आपको वो पिच करता हूँ। अगर किसी को रेजिडेंशियल समझ में आ रहा है तो कृपया करके रेजिडेंशियल में लगाइए, कमर्शियल समझ में आ रहा है तो कमर्शियल में लगाइए, राइट। मेरे हिसाब से दोनों की दोनों का अपना मज़ा है। जिसको कमर्शियल के अंदर मज़ा आता है वो रेजिडेंशियल नहीं लगाता, जिसको रेजिडेंशियल में समझ में आती है वो कमर्शियल में नहीं लगाता। ये ग्राफ दिखाने का मेरे पर्पस ये था कि अगर रियल एस्टेट मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, अगर किसी की प्रॉपर्टी नहीं बिकी है तो वो अपर ट्रेजेक्टरी में होनी चाहिए, क्योंकि 19 से 20 का जो बुल रन है वो सारे के सारे प्राइजेस ऊपर की तरफ हैं। तो जैसे रेजिडेंशियल में पैसा बना है वैसे ही कमर्शियल में बना है, आई एम श्योर, क्योंकि मैं अवेयर हूँ। हो सकता है बाकी लोग, आप लोग अगर आप देख रहे हो, आपको ना अवेयर हो कि आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ चुका है, या फिर एक रीज़न और भी हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एजेंट्स जो रीसेल के अंदर डील करते हैं, कमर्शियल के बहुत कम रियल एस्टेट ब्रोकर हैं हु वुड एंटरटेन यू। दैट इज़ द रीज़न कि अगर आपको लग सकता है कि प्रॉपर्टी हमारी बिकने रही, इफ़ दैट इज़ द रीज़न प्लीज़ कॉल अस, विल मेक श्योर वी गेट यू एन एग्जिट। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी कमर्शियल रियल एस्टेट, अगर आपके पास कोई शॉप है, कोई SEO है या फूड कोर्ट है, एनीथिंग दैट यू हैव, यू थिंक कि यू वांट टू सेल इट ऑफ, नंबर ऊपर है। एक चीज़ भूल गया यार, लाइक दबा दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। अगर इफ़ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर वॉचिंग दिस चैनल, तो आई कीप ऑन पोस्टिंग रियल एस्टेट स्टफ, बारी बारी याद शुरू में दिलवा दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन मेरे को बात के फ्लो में याद रहता नहीं है, तो प्लीज़ दबा दिया करो मेरे भाई, राइट। सो हैविंग सेड ऑल दिस, आई एम गोइंग टू कम बैक एक्सप्लेनिंग यू द टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन गुड़गांव। कितनी एम्प्लॉयमेंट आ रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, कौन कौन सी कंपनियाँ नहीं आ रही हैं, इन माई कमिंग वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड God bless. Bye.